नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। अब नजर डालते हैं खबरों पर। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रकाश रंजन राय के पिता श्रीराम राय का स्वर्गवास 17 अप्रैल 2021 को उनके पैतृक गांव वर्ची में हो गया। उनका दाह संस्कार 18 अप्रैल को किया गया। इस खबर को सुनते ही आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई। इसी क्रम में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए स्वर से प्रार्थना की गई। शोक सभा की अध्यक्षता करते हुए आदर्श इंटर कॉलेज अवधि गौरी के प्रबंधक विजय राय ने कहा कि श्री राय हमारे अच्छे मित्र थे, हमारे प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी थे। उनके निधन से हमने एक अच्छा मित्र खो दिया। शोक सभा का संचालन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक संजीव कुमार पांडे ने करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्री राम राय से हमारे गहरे ताल्लुकात थे। इस परिवार से हमारा बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता था। आज हमने श्री राम राय के रूप में अपना एक गार्जियन खो दिया। उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर प्रमोद वाचस्पत ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है, तथा साथ ही आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश DP सिंह चौहान, पूर्वांचल प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष अजय कुमार मिश्र सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों, आजमगढ़ जिले के समस्त तहसील अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश रंजन राय के पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। राय की असामायिक मृत्यु से जो है आज जो पूरा शोकाकुल परिवार है सदमे में है। ईश्वर का नियम है जिसको आना उसको जाना है, लेकिन जिस अवस्था में जिस स्वस्थ होने के बावजूद कुछ समय उनकी स्थिति बिगड़ी और ईश्वर जो है उसको जाना पड़ा। पूरा परिवार दुखी है। उनकी बड़े सुपुत्र भाई बहु जी, भाई जब्बू राय, सोनू जी, हमारे उनके बड़े भाई आदरणीय टीना राय जी, बड़े भैया महेंद्र भैया, और आज एक शोक सभा हमारे आदरणीय विंदर झा जो कि हमारे पिताजी के पारिवारिक हमलों के गार्जियन, उनकी अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ चाचा श्रीराम राय की आत्मा को। चुनाव बीते ही चुनावी रंजिश के परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं, जबकि जिला व पुलिस प्रशासन चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया था, जिसके लिए काफ़ी लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। ऐसा ही मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र से आ रहा है, जहां थाना क्षेत्र के कुड़ही गाँव में निवासी प्रधान पद के प्रत्याशी की भतीजे की मंगलवार शाम 4 बजे करीब वाहन से कुचलकर घायल हो गए थे, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि निवर्तमान प्रधान व उनके भतीजे सहित आधा दर्जन आरोपियों ने गांव स्थित बंदे पर शाम को मौजूद प्रिंस यादव उर्फ बिट्टू उम्र 20 वर्ष पुत्र राजन प्रसाद यादव की हत्या की नीयत से 4 पहिया वाहन से कुचल दिया। घायल अवस्था में परिजन उसे लेकर स्थानीय थाने पहुंचे तथा सूचना देने के बाद जिला अस्पताल चले गए। इसके इलाज के द्वारा रात लगभग 12 बजे मौत हो गई। परिजन शव को लेकर रात में ही गांव चले आए तथा पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए शव को एक विद्यालय में रखकर न्याय की गुहार मांग करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव का पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस सहित कई थानों की फोर्स क्षेत्र अधिकारी सर राजेश कुमार तिवारी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाने बुझाने के बाद कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिवार वालों ने अग्रिम कार्रवाई हेतु सबको पुलिस को सुपुर्द कर दिया। नाम है आपका? राजेश कुमार यादव गुड्डू। क्या हुआ है कल ये संजय और अनिल या लोग मिल के जो है धमकी दिए कल? किसको धमकी दिए? बड़े भाई राधे श्याम को और इसको भी प्रिंस यादव को भी, और उसके बाद जाके गांव पे राधे श्याम को धमकी दिए कि मार देंगे गोली, और अनिल को भी दिए थे कल। क्यों धमकी दिए? प्रधानी रंजीश को लेके कि प्रधानी हार जाएंगे तो मार देंगे गोली, और परिवार पे सुबह ही इसको आके घर पे फोन पे ही धमकी दे दिया था वो कि आज तुमको मारेंगे, मैं तुम्हारी बहन बेटी जाती है वो करेंगे। उसके बाद बंदे पे पैदल 2 बच्चे आ रहे थे, प्रिंस और एक लड़का और था, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए। कब की घटना है? गाड़ी कल 4 बजे की घटना है, कल शाम 4 बजे की घटना है। इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाए और ये 3-4 लोग भी थे, मतलब प्लानिंग के तहत इसको मारा गया है कि इसको मार दिया जाए, और गाड़ी को बैक करके 3-4 राउंड चढ़ाया गया है। अच्छा। ये 2-3 लोग डंडे के साथ भी थे, असलहे के साथ भी थे। क्या असलहे और डंडे से भी कोई वार हुआ है? डंडे से वार नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी चढ़ा के गाड़ी से। फिर क्या हुआ? इसके बाद हम लोग जो है थाने पे ले गए इनको, थाने पे ले गए, वहाँ सूचना दिए, कोई मौके पे था नहीं, सूचना दे के हम लोग अस्पताल गए, जिला अस्पताल। जिला अस्पताल पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, 4-5 घंटे हम लोग थे। डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन ने एडमिट नहीं किया या नहीं? प्रशासन ने एडमिट किया हमको, सब कुछ किया, लेकिन
पुलिस प्रशासन के थ्रू। अच्छा। इनके थ्रू जाना चाहिए था वहाँ पे, तभी वहाँ मेडिकल करते बनाते हैं, लेकिन वो इंतजार करते रह गए, लेकिन हमको नहीं मिला। बच्चे को करीब हम लोगों ने रखा 11:30 बजे, जब सीरियस मैटर हुआ तो हम लोग सोचे कि इसको ले चला जाए कहीं, लेकिन ले जाए रिफर डॉक्टर बनाए और हम लोग बाहर ले जाए, तब तक एक्सपायर हो गया बच्चा। अच्छा जी। अच्छा, आपकी क्या इस वक्त मांग है, क्या आप चाहते हैं? हमारी मांग है कि जितने लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। कितने लोग हैं? 6-7 लोग हैं। नाम बताएं। अनिल यादव, अमन यादव, जगत यादव, रवि यादव, अमरनाथ, संजय, यही ऐसे ही करके हैं लोग। अच्छा, ये लोग आरोपी हैं आपके? जी। दांसत है प्रधान जी का कि ये संजय आज नहीं, हमेशा यह वारदात करता रहा, हमेशा हर प्रधानी में या वैसे ही हर वर्ग को सताता रहा, मारता पीटता रहा। अच्छा। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसके पहले कंप्लेंट कुछ हुई थी उनके नाम से, कोई मुकदमा नाम से हुई थी? मुकदमा भी है जी। अच्छा, फिर उसमें ये लिपापोती करके खत्म हो जाता है मैटर। आजमगढ़ जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद पुलिस अब उन लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला तेज कर दिया है जो पंचायत चुनाव में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की थी। बता दें कि इसके दौरान अब थाना गंभीरपुर पुलिस ने चुनाव के कारण उत्पन्न तनाव के कारण थाना परिसर में विवाद करने और शांति व्यवस्था भंग करने और कोविड-19 महामारी के अधिनियम का उल्लंघन करने पर 39 नफर अभियुक्तों का 151 CRPC की धारा के तहत कार्रवाई की है। साथ ही कोतवाली पुलिस ने भी ककराटा में चुनाव के दौरान उपद्रव फैलाने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं निजामाबाद पुलिस ने भी जालसाजी कर धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ौदा पुलिस ने भी हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है, तो एकंदरापुर पुलिस ने भी एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जनपद में शांति व्यवस्था हित कुल इतने अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये पूरी कार्रवाई SP आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद की पुलिस ने किया है ताकि जनपद में शांति व्यवस्था कायम रहे और अपराध और अपराधियों के तहत बढ़ते ग्राफ में कमी आए। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र से खबर आ रही है जहां उमरपुर कोयलारी गांव निवासी रामाश्री राजभर एवं पंचम राजभर के परिजनों के बीच मंगलवार की रात ईंट पत्थर और लाठी चले जिसमें 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोप है कि राजन राय, विजय कुमार राय व सुनील राय के घर में पहुंचकर तोड़फोड़ किया। मीडिया से बातचीत में महिला ने कहा कि पुलिस ने घर की खिड़की, दरवाजा, पंखा, कूलर सहित खाने पीने के सामान को भी नष्ट कर डाला है। साथ ही आश्रय राजभर के मड़े गिराने के साथ साथ खाने पीने के सामानों को नष्ट करते हुए बर्तन को भी तोड़ डाला। हालांकि विवाद का सही कारण क्या है अभी ये एक पहेली बना हुआ है। पुलिस पर लगाए गए आरोप कितना सही है इसकी TV20 न्यूज पुष्ट नहीं करता, लेकिन अगर पुलिस पर लगाए गए आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये सरासर निंदनीय है। फिलहाल हम आपको एक महिला की बात सुनवाते हैं। हम लोग सभी लोग व्रत थे, व्रत में यही भौरी दाल लगा रहे थे और घर के आदमी नहीं थे तब तक वो लोग आए और मारपीट हम लोग को शुरू कर दिए। कहें कि हम लोग 40 साल से प्रधानी कर रहे हैं, हम किसी को प्रधान नहीं होने देंगे नया प्रधान को। और मारे पीटिए देखिए, मेरी सास जेठान है 10 साल से ये बहुत मारे, फिर प्रशासन आई है वो भी घर में घुस के, वो गार्जियन लेकर के आया घर में घुस करके हम लोग को मारा है, प्रशासन भी मारी है, देख लीजिए सारा सामान दिख रहा है, बताइए प्रशासन का ये एक नियम है मेरी ये सब और बताइए मुझे कह रहे हैं लाइट वोट का बोर्ड सब लोग फोड़ दिए मारे हैं और आकर के भला बुरा वो गालियां दिए माने बहन बेटी सब लगा के और कहे 40 साल से प्रधानी कर रहे हैं तुम लोग नया में प्रधानी करोगे बताया। उसके गार्जियन लेकर के हम लोग को घर में घुसा था, लेडीज और जेंट्स दोनों घुसे थे, लेडीज हम लोगों को मारी और कुछ सबूत भी नहीं पूछी कि क्या गलती है क्या नहीं, सीधे मारना शुरू कर दी, तोड़फोड़ भी की है, खाते हैं किसी से हम लोग मतलब नहीं रहता है, जब मजदूरी करेंगे हम लोग को मजदूरी देगा तो खाएंगे और क्या करेंगे।
तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए नगर पंचायत अतरौलिया में रेस्टोरेंट दुकान सहित भीड़ भाड़ वाली दुकानों पर मास्क चेकिंग किया गया। इस दौरान कुछ लोग बिना मास्क के पाए गए, जिन्हें कड़ी हिदायत देते हुए 1,000 रुपये का चालान भी काटा गया। जिला प्रशासन के आदेशानुसार क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क जांच अभियान चलाया गया। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे की देखरेख में नगर पंचायत तथा आसपास विशेष सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। सघन मास्क चेकिंग अभियान के दौरान पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई तथा बाजार में सभी लोग मास्क लाकर ही जरूरी कार्य से घर से बाहर निकले। दुकानदार के साथ साथ बाइक, ऑटो, ठेला आदि को रोककर मास्क चेकिंग के साथ बिना मास्क पहने लोगों को फाइन किया गया। मंगलवार को विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, साथ ही साथ लोगों को मास्क लगाने की सलाह भी दी गई। क्या कुछ कहा इस दौरान नायब तहसीलदार ने, सुनवाते हैं आपको। यहाँ पे जो मास्क न लगाए हैं और मास्क के कारण जो दुकानदारों के बीच जो है एक तरीके से कोरोना का जो बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में फैल रहा था, इसलिए आज हम और हमारे थानाध्यक्ष जी दोनों लोग साथ में इस अभियान पे निकले हैं कि हमारा जो वो ध्येय है कि किसी तरीके से इस पूरे अतरौलिया जो नगर पालिका है कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा ना मिले जो मास्क ना लगा। इसलिए आज हमने बड़े बड़े दुकानदारों के दुकानों पे देखा कि वहाँ पे जो जनता थी प्लस जो दुकानदार थे मास्क लगाए थे कि नहीं लगाए थे, और उसमें जो लोग नहीं लगाए थे उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई किया। पहली कार्रवाई के तहत अभी हमने 1,000 की फाइन काटी है और अगर इस पर भी नहीं सुधरते हैं तो फिर हम 10,000 पे भी कार्रवाई करेंगे। अब तक का लगभग आज हमने 10,000 के आसपास के चालान काट दिया है। वार्निंग दी जा रही है दुकानदार लोग को, वार्निंग भी दी जा रही है। वार्निंग भी दी जा रही है और मास्क लगाने के लिए एकदम सख्त निर्देश है। इसका अभियान मैं कंटिन्यू चलाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बहुत एक समूह में यहाँ पे कलेक्शन है पूरे क्षेत्र का, तो यहाँ से हमको पूरा ये उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में चारों तरफ जो कोरोना वायरस कोविड का वायरस है फैलने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे हमें सख्ती दिखानी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना से बचाव के नियमों का सही तरह से पालन न करने की वजह से आज पूरा देश भयावह स्थिति से गुजर रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि संक्रमण से खुद को व दूसरे को संक्रमित होने से बचाने के लिए फेस कवर मास्क का प्रयोग ही एकमात्र विकल्प है। इससे पहनने से किसी संक्रमित व्यक्ति से हवा में मौजूद थूक की बूंदों के माध्यम से कोरोना वायरस के श्वसन तंत्र में प्रवेश करने की संभावना बेहद कम हो जाती है। तेजी से बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन स्तर से इसके प्रति उल्लंघन करने पर अर्थदंड व कड़ी कार्रवाई की भी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को बाहर निकलने पर मास्क लगाने व मानक दूरी को बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी वस्तु को न छूने, हाथों को बार बार साबुन से धोने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। अगर मास्क नहीं है तो गमछा, रुमाल, सूती दुपट्टा से 2 से 3 परतें बनाकर चेहरे को अच्छी तरह ढक ले। सूती और मोटा कपड़े का होने से मास्क से ज्यादा सुरक्षित रहेगा और उसे दोबारा इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह साबुन से धोने के बाद इसे धूप में ही सूखने दें। पार्टी पर हमला करने के मामले में 25 नामजद किए गए हैं, साथ ही 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी के निर्देश पर थाना जहानागंज पुलिस ने अपनी कार्रवाई में पुलिस पार्टी पर हमला करने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 25 नामजद सहित 150 से 200 के लोगों के विरुद्ध अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है लेकिन अभियुक्तगण घर से फरार है। बता दें कि जहानागंज के क्षेत्र के अंतर्गत थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमरपुर कोलियारी में प्रधान पद के प्रत्याशी पंचम राजभर पुत्र सुखाई राजभर और दूसरे प्रत्याशी रामासे राजभर पुत्र श्याम के राजभर निवासीगण ग्राम उमरपुर कोलियारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उनके समर्थकों के मध्य चुनाव वर्जिश को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों, ईंट पत्थर से मारपीट करने लगे और अवैध असलाहों से फायरिंग करने लगे। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जहानागंज जनपद आजमगढ़ में फोर्स के ग्राम कोलियारी पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के लोग पुलिस पार्टी पर आमदा फसाद होकर लाठी डंडा व ईंट से प्रहार करने में लगे तथा उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर भी किया गया। कड़ाई करने पर दोनों पक्षों के लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इस संबंध में स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने धारा 147, 48, 49, 323, 504, 506, 427, 332, 333, 336, 188, 307, 7 CAL एक्ट में 25 व्यक्ति नामजद व 150 से 200 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियुक्त पंजीकृत किया। पुलिस की कई टीमें गठित कर फरार अभियुक्तों की तलाश में सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन अभियुक्त घर से फरार है। पुलिस का दावा है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने वर्तमान समय में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर हो रही वृद्धि के कारण ऑक्सीजन गैस की आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद में इसकी उपलब्धता का जायजा लेने हेतु बुधवार को शहर के निकटवर्ती गांव इकरामपुर स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन गैस आपूर्ति रिफिलिंग वितरण आदि प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी
वहाँ फंसे स्वास्थ्य निरीक्षण से लिए। मरलायु श्री पंत ने पंत द्वारा जनपद में ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में पूछे जाने पर वहाँ पर फंसे स्वास्थ्य निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि जनपद के लिए एक दिन पूर्व ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई है। आगामी आपूर्ति के लिए डिमांड भेज दी गई है जो बृहस्पतिवार को रात्रि में प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 160 सिलेंडरों की तत्काल आपूर्ति राजकीय मेडिकल कॉलेज और चक्रपानपुर को की जानी है। मंडलायुक्त ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तेजी से और खतरनाक ढंग से हो रहा है ऐसे में काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने औषधि निरीक्षक को सचेत किया कि किसी भी दशा में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। यदि कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो इस पर तत्परता से एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने भी निर्देश दिया कि सक्षम स्तर से परमिशन मिलने के उपरांत ही प्राइवेट अस्पतालों हेतु गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों की संवेदनशीलता को देखते हुए ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति और वितरण में पूरी सतर्कता बरती जाए तथा इस संबंध में उच्च अधिकारियों से निरंतर संपर्क एवं संवाद बनाए रखा जाए ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।